अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 दैट वाज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके हर टॉपिक हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके डायग्राम के थ्रू हमने उसको डिस्कस किया ताकि आपके लिए जो है वो इसको समझना मुश्किल नहीं हो। ओके, अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली स्पोर्ट एंड मूवमेंट को ही पढ़ेंगे कि ह्यूमंस किस तरह स्पोर्ट लेते हैं, किस तरह मूव करते हैं, प्लांट्स किस तरह स्पोर्ट लेते हैं, किस तरह वो मूव करते हैं। ओके, तो मूवमेंट का अगर आप देखो, मूवमेंट का सोचते ही सुनते ही हमारे माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड आएगा कि हमने चलना है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जाने को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे आता है, दैट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन ये भी आप कहें कि मूवमेंट है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मूवमेंट क्या होती है, लोकोमोशन किसे कहते हैं, हम इसका डिफरेंस भी आज पढ़ेंगे। ओके, मूवमेंट क्या है, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजिशन बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। कि हमने पूरी बॉडी को या बॉडी के किसी पार्ट को, आप देखो कि हम बैठे होते हैं तो हम उठ के किस जगह पे जाते हैं, ये भी मूवमेंट है। लेकिन अगर हम बैठे बैठे अपनी पोजीशन चेंज करें, मतलब हम पहले जो है वो सामने की तरफ मुंह करके बैठे होते लेकिन फिर हमने ऑपोजिट साइड पे फेस कर लिया, मतलब हमने अपना रुख मोड़ लिया, तो भी वो मूवमेंट ही है। जबकि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट में हम एज अ पार्ट, बॉडी पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन जो लोकोमोशन होती है वो पूरी की पूरी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। ओके, तो ये था हमारे पास मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन क्या है, इसे इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलेटन। द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट अटैचमेंट टू मसल्स एंड प्रोटेक्ट बॉडीज ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। हार्ड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को फिजिकल सपोर्ट भी देता है। आप देखो कि अगर हमारे फिंगर्स में जो है बोन्स ना होती तो हमारी फिंगर्स की कोई शेप नहीं होनी थी, ठीक है। इसी तरह हमारी लग्स में बोन्स ना होती तो हम सही तरह से मूव नहीं कर सकते थे, जेली लाइक अपीयरेंस होनी थी, ठीक है। तो बोन्स क्या करती है, इंसान की बॉडी को एक फिजिकल शेप देती है, ह्यूमंस की बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं द स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स इज द ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन, ठीक है। कि ह्यूमन की बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो उसके अंदर की तरफ होता है, फ्रेमवर्क होता है उसके इनसाइड द बॉडी, तो जो इनसाइड स्केलेटन है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे जैसे आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन भी पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, कौन कौन से एनिमल, कौन सा स्केलेटन उनके अंदर होते हैं। ओके, इसके बाद हम इसमें देखते हैं रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, के स्केलेटल सिस्टम का क्या रोल है, क्या जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। स्केलेटन वर्क विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। स्केलेटन क्या करता है, मसल्स के साथ अटैच होता है, हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन सच एज स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। जिस तरह स्कल हो जो होती है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, आप देखो कि अगर ब्रेन के ऊपर स्कल ना होती, खोपड़ी ना बनी होती, बोन्स ना होती, तो जैसे ही कोई गिरता है फौरन उसके दिमाग पे चोट लगती, ब्रेन के सॉफ्ट पार्ट पे चोट लगती, तो ब्रेन पे जो है सॉफ्ट पार्ट पे चोट लगने से उसकी इंसान की फौरी तौर पर डेथ भी हो सकती है, इसके अलावा उसको जो है वो फेटल डिजीजेस भी हो सकती है, मतलब उसको खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइफ टाइम फिर उसके साथ रहेगी। ओके, जिस इसी तरह से हमारी रिब जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, लीवर को, किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जिसे हम हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से, ब्रेन के पिछले पार्ट से लेके हमारे एनस तक एक्सटेंड होता है, बॉडी के पोस्टीरियर पोर्शन तक, ठीक है। तो वो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम। रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रिब्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, हार्ट, किडनीज, लीवर, पैंक्रियाज, ये सारे हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब्स।
वर्टिब्रल कॉलम्स प्रोवाइड्स अ मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास। हमारे बॉडी को मेन सपोर्ट कौन देता है? वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो कि किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो वो उठना नहीं है सही तरह से, मतलब वो सही तरह से वॉक नहीं कर सकेगा, सही तरह से चल नहीं सकेगा, ठीक है, उसको उठने में बैठने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है? हमारी बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इरेक्ट पोजिशन में खड़ी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज पोर्ट एंड मूवमेंट। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।